चैनल और दोपहर का टाइम है, कड़ी धूप में मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करती हूँ क्योंकि मुझे मित्तू का पता नहीं का मूड चेंज है, बोले चलो चलते हैं। इतने साल से आप लोग इस ब्लॉग का वेट कर रहे हो, 3 साल से होम टूर दो और मैं हमेशा बोलती दूंगी बट रह जाता है यार कैसे ना कैसे करके। बट आज फाइनली मैंने सोचा कितनी भी धूप क्यों ना हो आप लोगों के लिए करूँगी मैं करूँगी। तो आज मैं आपको अपने बड़े से घर का जो है ना होम टूर देने वाली हूँ। और पता है आप लोगों को बहुत बड़ा यार, मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या तुम्हें खुद को ही नहीं पता होगा। ये वाला पार्ट तो मैंने पिछली बार जब देखा था खुद को, मुझे ये नहीं पता। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो ये है सबसे पहले मेन गेट, ये गली आती है जैसे, तो यहाँ से स्टार्ट है इस कोने से। तो ये सबसे पहले मेन गेट है और जाते 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 बाउंड्री खत्म होती है वहां पे, ये वाला। और जो उधर जो है वो पुराना जो दिख रहा है घर, वो भी हमारा ही है बट वो पुराना घर है, दादा दादी के टाइम का है मतलब वो। ठीक है, बाहर से व्यू ये है, ये देख लो, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये नीचे का, ये इधर वाला। बाकी एंट्रेंस दिखाते हैं आपको, ये ट्रैक्टर खड़ा है अपना, ये बाइक खड़ी है अपनी। ठीक है, ये सारे गाड़ी ट्रैक्टर के औजार खड़े हैं बाहर। आज गाड़ी नहीं, गाड़ी पापा का फंस रही है तो आज पापा लेके जा रहे हैं। इस टाइम आओगे मेरा नहीं, हमने किसे ले नहीं पता। पापा ने चाबी उठाई सीधा, ब्याह मनो तखाने जा रहे पापा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे एंट्री, ये हमारा मेन गेट आप देख लो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप अंदर आओगे ना आपको पूरी मिट्टी वाली वो मिलेगी, बगीचा बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बगड़। तो एंट्रेंस जैसे इस गेट से एंट्रेंस किया घुसते लेफ्ट साइड में ये यहाँ पे बागवानी चलती है, पालक मेथी अमरूद, और ये बड़ा सा बरंडा है जिसके अंदर हम गाड़ी गुड़ी सब कुछ लगा देते हैं बैठने के लिए भी, वो हो गया। और अभी ये कट्टे कट्टे जो रखे ना भाई, ये आप समझ सकते हो खेती बाड़ी वाले आदमी है तो अपना, हाँ तो ये सरसों और गेहूं वगैरह रखे हुए हैं, ये अभी जो निकाले थे ताजा तो वो निकाला। हाँ नहीं, यहाँ से पहले ये बता देते ना, तो जैसे ये हो गया मेन एंट्रेंस, और इस साइड का जो पोर्शन है जैसे ये देखो इस साइड में, ये सारा का सारा है थोड़ा मतलब भैंस के लिए और गाड़ी ट्रैक्टर खड़े करने के लिए। ये दूसरी गाड़ी खड़ी हुई अपनी, हाँ जी, और ये अपनी मशीन सानी काटने की, ये ट्राली हो गई। ये इधर वाला देखो, ये था इसके साइड में ये पोर्शन जितना भी ना, ये सारा सारा भैंस वगैरह का है, ये अलग से साइड में, हाँ जी, दूर से ज़्यादा समझ में आएगा ना। तो ये वाला तूड़ी और जो वो अपना हरियाणा में आकर ना गंडासा वो लगा रखा है इसमें, हाँ। और वो भी नहीं पता, ये वाली चीजें नहीं देखी थी मैंने, ये वाला ये देखो था, ये देसी चूल्हे चाले इधर है, इधर है लैटरिन और बाथरूम है, ये देख लो, ये बिल्कुल सेपरेट, मतलब कोई बाहर की बार आए, कोई गेस्ट हो गया कुछ हो गया तो अपना बाहर की बार ही यूज कर ले, हाँ जी। तो उस तरीके से ये कड़ी यहाँ पे चक्की वगैरह, आटा चक्की वगैरह और वो सब लगे हुए हैं यहाँ पे, ये इमरजेंसी में यूज करते हैं हम खाली। तो ये वाला पोर्शन अब देखो, एक एंट्री यहाँ से भी हमारी मेन, और हम साइड से भी एक एंट्री छोड़ी हुई है जैसे भैंस वगैरह के लिए, इस साइड से आप देखोगे तो वो वाली एंट्री किधर से छोड़ी है, हाँ वो उधर है भैंस बांधने का, वो वाला देख ही रहे होगे सामने कमरा रूम जो है उसके साथ में जो है वो, चलो वहीं से दिखा देते हैं। नहीं नहीं ऐसे होगा, होम टूर करवा रहा मैं, कैसे करवाती मैं, वो वाला पोर्शन दिखा रही थी पहले, ये बाद में दिखाते हैं, इधर से सीधा इधर घुस जाते हैं। अच्छा चलो उधर दिखाओ, हाँ। भैंस की खोर है ये देख लो भाई, तो यहाँ भैंस बंदी भी है, ये नींबू का पेड़ है जिसमें इतने नींबू लगते हैं ये देखो, फिलहाल ये देख लो, ये भगवान इतने नींबू लग रहे हैं इस पे भी, तो ये देखो मेरा फरार है इस पे। तो ये है यहाँ पे एक और बाथरूम, और ये है भैंसों के लिए पानी की खेड़, और ये चेक करके आएंगे इनको। तो चलो भाई, तो ये पोर्शन ना कच्चा ही है ऐसे कैसे सारा का सारा, ये देख लो एक गेट इधर से खुला हुआ है, और देखो गांव का मौसम देखो कितना, बादल देखो यार कितने जबरदस्त दिखते हैं ना, क्लीन थोड़ी नहीं मतलब कितना क्लियर रहता है ना, देखो ऐसे बादल हमें कभी गुड़गांव दिल्ली में देखने के लिए नहीं मिलते, इतना पोल्यूशन होता है। ये देखो भाई, तो वो मेन एंट्रेंस था, हम इधर आ गए,
और ये इधर दिखा दिया, अब चलेंगे अंदर। तो ये है भाई मेन। यहाँ पे मैं जब भी आती थी ना तो दादाजी का यहाँ पे झूला डला हुआ था, यहाँ पे दादी जी खाते बैठी रहती थी, एक तो दादी की फ्रेंड बैठी होती थी, बट अभी खाली है। यहाँ पे फोटो थी वो हटा दी, अंदर लगा दी। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग एंट्री। तो ये बरामदा है, क्या बोलेंगे इसको, बरामदा दरवाजा, दरवाजा बोलते हम, दरवाजा बरंडा इसको मार रहा है। इत्र महाराज का वो बना रखा हमने मंदिर छोटा सा, इधर साइड सब करके ऐसे, आधी साइड लोग नॉर्मल मंदिर होता है ऐसे नहीं बनाते, इधर है। तो ये है हमारे प्यारे दादा दादी का रूम। जब मैं आती थी ना, मतलब वो मोस्टली बाहर मिलते थे, नहीं मिलते थे तो यहाँ इस पे दादाजी सोते थे, उस पे दादी। तो ये एक तरीके की ना, वो कहते ना गांव में बैठक। ये दादा की फोटो है जब फौज में थे उस टाइम की, जवान थे जब ये उसके बाद की है। मैंने टीवी कौन सच्चे सच चल गया, ये टीवी चला दिया यहाँ पे इन्होंने, उधर भी दादा जी है। ठीक है, तो ये है भाई एक बैठक। अब एक बैठक से काम नहीं चलेगा, आप अभी आओ दूसरे दिखाती हूं। लाइट वाइट बंद कर दो, आप लोगों ने सुना होगा कि दादा जी का डिब्बा रखा हुआ है। पहले दादा के लिए लगा रखा था ना यहीं पे, जैसे वो करते थे, हाँ तो पकड़ना ना पड़े इसलिए। फिर आ जाएंगे हम इस वाली बैठक में, और ये है हमारे बड़े पापा जी की, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलते लोग में। तो इधर इन्होंने अपना 1970 के जमाने का टीवी रखा हुआ है, वो इस वाले टीवी में रात को पुरानी फिल्में चलती है। ये टीवी कभी कभार ही बंद होता है, खुद चौबीस घंटे चलता है, कोई बंद करता है वो चलते चलते सो जाते हैं। ये देखो ये बाहर की तरफ भी निकल जाता है सीधा, ये गेट जो बाहर से दिख, बाहर से दिख रहा था ना, ये गेट दिख जाता है तुम्हें बाहर की, बाहर से यहाँ से। तो ये था हमारा बाहर का पोर्शन बोलते हैं इसको। इसको एक्चुअली पुराना वाला पोर्शन है, जो काफी टाइम पहले था दादा दादी के टाइम में। फिर जैसे मित्र थोड़े थोड़े बड़े हुए, कॉलेज वॉलेज जाने लगे, फिर इन्होंने नया बनाया। तो पहले इतना था नीचे, उसके बाद ये हमने हाइट पे बना लिया, मतलब पीछे वाला ना। हाँ तो ये देखो, तो ये वाला बनाया हाइट पे, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये देखो, ये है अंदर का, ये पक्का कर रखा है पूरा, ये पूरा पक्का कर रखा है। हाँ इसमें यहाँ से ऊपर से सीधा दिखा दूँ मैं, ये हमारा रूम है, और ये इधर देवर का रूम है, ये हमारा है। ठीक है, ये नीचे पूरा हॉल है, इधर बना रहा था चूल्हे का, देसी चूल्हा अपना यहाँ के। ये पूरा बर्तन नहीं है, गर्म पानी के लिए है पूरी, जैसे गांव में आप जो भी गांव से होंगे वो समझते होंगे कि पूरी पूरी टंकी प्लग में लगाओ, पूरी तो पानी गर्म मिलता है पूरा का पूरा सर्दियों में। हाँ ये वही गेट है जो इधर भैंस वाली साइड में आ जाता है, इधर से भी एंट्री कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं ऊपर का दिखाएंगे बाद में, इधर से सीधा जीना चल जाएगा ऊपर की साइड। ये ऊपर का पोर्शन बाद में दिखा देंगे आपको, ये ऊपर जाने के लिए ये एक और बाथरूम है भाई, बाथरूम गिन लो एक बार। ये देखो यहाँ पे भी ये एंट्रेंस, यहाँ छोड़ी भी एक, तो एक गेट यहाँ दिया हुआ है और एक गेट उधर दिया हुआ है, दो गेट दिए हैं यहाँ पे। चलो चलो, गाँव में यही चल रहे भाई। हाँ। लकड़ी लकड़ी का सिस्टम कम हो गया, अगर सामान सामान पड़े हुए भाई ऐसे ही, इधर अलमीरा है बाहर, और ये लंबा सा बरंडा है, फिर एक और ये एक और रूम है, ऐसे ही सेम रूम है, चार रूम बने हुए हैं ऐसे, एक दो तीन और चार रूम ये बने हैं। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं।
दिन का टाइम है भाई, सब सोएंगे। और फिर ये वाला दो कपड़े वपड़े को इग्नोर कर देना भाई, सब कुछ पड़ा पड़ा है, बस तुम और दे दो। सारी खुली नहीं, सारी की सारी अलमारी इसलिए खुली है क्योंकि हम पीछे से पापा से कुछ खोलते हैं, इन्होंने अंदर रहते हैं तो थोड़ी हवा पास हो जाए। ये अलमारी बनी हुई है नीचे नीचे ऊपर सामान रखने के लिए है। एक बेड इसमें है, ये मेरी मम्मी का बक्सा है, शादी का बक्सा है। और सेम ऐसे ही ये किचन है, सारे। और ये पोर्शन वैसे कंबाइंड फैमिली है, बट ऐसे बना रखा है कि दो रूम इधर वालों के किचन, दो रूम उधर वालों की, कल को अलग हो कुछ बात हो जाए तो अलग अलग सारी चीज़ें हो जाए। अब रह गया ऊपर का, तो अब चलते हैं सीधा ऊपर। तो यहाँ से देख लो आप, यहाँ से जीना शुरू हो गया ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन कब बना रहा जी? तो अभी शादी से पहले बना था, जब मेरी शादी थी ना तो उस टाइम बना था। हालांकि उस टाइम बाकी इसकी शादी का कुछ नहीं था कि है होगी नहीं होगी, बट ये था कि बनाना तो है ही। उस टाइम भी फिर दोनों भाइयों का बना दिया था। ये देख लो, तो ये वाला देख लो आप, तो ये नीचे का पोर्शन हो गया। यहाँ से ये देख लो, ये ऊपर होल छोड़ा हुआ है पूरा, पीछे पूरे शीशे दिए हैं ताकि अगर गांव में जैसे लाइट व्लूट की कभी प्रॉब्लम होती है तो आराम से यहाँ खाद डाल के आराम से हुक्का बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाद यहाँ डाल के पूरा का पूरा पीछे से ये देख लो भाई। हाँ, और ये सीढ़ी फिर ऊपर जाने का, और भी छत पे जाने का ऊपर। तो ये यूं करूँ, थोड़ा बाहर से दिखाऊंगी, अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ दरवाजा खोल के मैं दिखा रही हूँ। बेड लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, ड्रेसिंग है, अलमीरा है, चेयर है, थोड़ी मोटी बैठने की चीज़ें, बस ये है रूम का टूर, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। ये इधर एक और बाथरूम बनाया हुआ है भाई, बाहर की तरफ लैट्रिन बाथरूम दोनों ही है। तो एक इधर ये हो गया, ये देखो। पर ये हमने बहुत चाव से बनवाया था, मैंने भी इतने हमने सोचा था हम इसमें ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सामना नहीं कर पाए। तो यहाँ मुझसे ही सबसे पहले हमारी लगी हुई फोटो, ये हमारी एंगेजमेंट की फोटो है, बहुत ही प्यारी मेमोरी जुड़ी हुई इसके साथ ही। और हमने फर्नीचर कुछ नहीं लगाया हुआ, ये एक्स्ट्रा ना बाहर रखा हुआ था, इधर बाहर धूल मिट्टी में कोई आदमी है नहीं भाई, मकान इतना बड़ा है तो बाहर चीजें ना खराब हो जाती हैं, धूल मिट्टी तो इसलिए हाँ ओपन है ना सब कुछ। हाँ, तो इसलिए ये ऐसे ही गंदी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ तो रखा जाए एटलीस्ट, जैसे घुसने के बाद में एंटर किए तो यहाँ बैठने का नॉर्मल थोड़ा सा, और ये अंदर अपना लेटरिंग बाथरूम वगैरह हो गया, जैसे पूरा बड़ा वॉशरूम है ये, उस तरीके से बनाया था जैसे होटल्स वगैरह में नहीं होता है कि हाँ स्टूडियो अपार्टमेंट उस तरीके से। और ये है, कुछ बनाने का ये है भाई वॉशरूम, बड़ा सा वॉशरूम है पूरा, मतलब समझ लो 10 फीट के आसपास का वॉशरूम होगा, जितने कमरे होते हैं ना लोगों घरों में उतना वॉशरूम बना रखा है। आइए मैं आप लोगों को एक इनका खुलासा करूंगी। हाँ, जैसे रूम से गए थे वैसे लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है। हाँ, देख रहे हो जाट गर्मी में आग रहा है। तो भाई ये है देखो, एंटर किया इस रूम से, एंटर करने के बाद में ये आ जाता है ये पोर्शन। अच्छा ये है भाई, एसी लगा हुआ है पीछे वॉलपेपर वगैरह, ये बेड लगा हुआ है, ये देखो ये इधर एक्स्ट्रा कार्ड डाली हुई है। और यहाँ का फर्नीचर आप लोगों को कैसा लगा? फर्नीचर में सिर्फ मेरा बेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बाकी ये नॉर्मल अलमारी वगैरह रखी हुई है। ये एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा करी थी, पर दिक्कत हमारे साथ दूसरी हो गई थी ना, लॉकडाउन लग गया हमारी शादी में, उसके बाद ना हमारा मन सा उठ गया हमारी शादी में, क्या मतलब पहले से जब से हमने प्लान करा था ये करेंगे वो करेंगे ऐसा कुछ हो नहीं पाया,
और बस तब से ही फिर ना मैंने कहा ठीक है थोड़े बहुत दिन आना होता है यहाँ पे, 2-4 दिन तो नॉर्मल में भी काम चल जाएगा। तो बस ये था हमारे ससुराल वाले घर का होम टूर, कैसा लगा आप लोगों को ये बेड बताना, स्पेशली कैसा लगा इसके साथ ये दो मुड्डी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो मेरा ऑरेंज कलर फेवरेट है, ऊपर से डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। तो आप लोगों की ये डिमांड भी फाइनली मैंने पूरी कर दी है, तो बताना आप लोगों को कैसा लगा। शायद ग्लो हो गया होगा काफ़ी बड़ा, पर कोई नहीं आप इंजॉय करोगे। और जो पूरा घर फैला हुआ ना उसको थोड़ा इग्नोर करना यार, क्योंकि घर बड़ा है और बंदे काम करने वाले कम है, हम तो रहते ही नहीं, आते तब करते हैं थोड़ा बहुत। और बच्चे के साथ ना सुबह मैं कुछ नहीं कर सकती, हिल भी नहीं सकती, मैं अपने सोने वाले कपड़े भी रात को निकाल के रखती हूँ ताकि सुबह कुछ ना हिलाना पड़े, हमें उठ जाता है। और मित्तू उठे तुरंत ही चले गए, इसी वजह से कुछ भी बंद नहीं किया, तो इसलिए ये फैला हुआ, नहीं तो मैं सब कुछ सेट करके रखती। और दिमाग मैंने लगाया नहीं कि मैं जाऊँगी तो होम टूर दूँगी तो थोड़ा कर दूँ। तो चलिए कैसा लगा आप लोगों को ये वाला ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है, बहुत तेज़ धूप थी, सिर्फ आप लोगों के लिए किया है, बहुत सारा प्यार देना है। बाय बाय, आई लव यू। Thank you.